आतंक बढ़ता जा रहा है, बंदर और मनुष्य में संघर्ष बढ़ता जा रहा है। आज हम भाटी माइंस नाम के इस गांव में संजय कॉलोनी में हैं, जहां पर बंदरों का उत्पात इतना ज़्यादा है कि यहां के रहवासियों को, यहां के गांव के लोगों को, होटल के लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन क्या इसका कोई सोल्यूशन या इसका कोई उपाय हमारे सामने है, इस पर आज हम बात करें। कोई भी ऐसी जगह नहीं जो इनके उत्पात से अछूती हो। इनकी दहशत लोगों के दिमाग में इस कदर है कि उन्हें रोजमर्रा के काम करने में घर से बाहर निकलते हुए भी डर लगता है। और उसमें ना कोई भी इलाज किया, ना अभी तक कुछ भी किया, और उसकी वजह से हो सकता है तो हमारे को नुकसान हो सकता है शरीर में, जब कोई बीमारी हो सकती है, और सरकार इस चीज के लिए कुछ भी नहीं सोचते। इसकी सुविधा कुछ कर दो, घर खुले रहे तो घर के लोग दुनिया मजदूरी करके आते हैं, उनका आटा कुछ सौदा वो बखेर देते हैं, खा देते हैं। शिकायत कोई नहीं सुनता, ना हमारी पुलिस सुनते, कहते वहाँ गवर्नमेंट जाके कहो, गवर्नमेंट पता नहीं कहाँ। बंदर हिंदू समाज की धार्मिक मान्यता से जुड़े हैं, इसलिए लोग इन्हें मारने या नुकसान पहुंचाने से बचते हैं। लेकिन इसका शैतानी स्वभाव लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। इकबाल मलिक से विस्तार से बात। लेडीज को लग ली, नुकसान बहुत नुकसान हुआ, उसको हॉस्पिटल लेके गए, अभी पता नहीं है वो मर गई या जीती, मैं देखी नहीं उसको। गुस्सा किसी को उतार देते हैं।